करोगे फर्स्ट पार्ट जरूर देख पाओगे फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि भाई डिस्टेंस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वेलोसिटी क्या होता है टाइम इंटरवल किसे कहते हैं ये सारी चीजें हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ रखी है सेकेंड पार्ट की बात करते हैं सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा कि भाई इन सारी चीजों को हम ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं ये सारी चीजें हमने पार्ट टू में पढ़ी है तो पार्ट टू भी अगर नहीं देखा ना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ पार्ट टू के सामने तुम्हें लिंक मिल जाएगी लिंक पर क्लिक करो वीडियो को जरूर देखो नाउ कम टू द पार्ट थ्री ऑफ दिस चैप्टर चैप्टर और इस इस पार्ट में हम इस का समापन करने वाले हैं यानी खात्मा करने वाले हैं दिस इज गोइंग टू बी द टॉपिक नंबर एट पॉइंट फाइव इक्वेशन बाई ग्राफिकल मेथड इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि भाई जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना उन्हें हम ग्राफिकल मेथड से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अच्छा पहले ये जानो कि इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन सोना सोना सा लग रहा है क्या मोशन का मतलब तो पता है चलना अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है मेरे भाई ये देखो आपके सामने तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है लेकिन समझ में नहीं आ रहा होगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या मैं बताता हूं देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट है अगर ये ऑब्जेक्ट सीधे चल रही है स्ट्रेट लाइन में चल रही है कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है फॉर एग्जाम्पल ये घोड़ा को ये देख लो ये घोड़ा देख लो सीधे चल रहा है सीधे चल रहा है स्ट्रेट लाइन में चल रहा है स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और अगर ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एसिलेट कर रहा है यूनिफॉर्मली एसिलरेट का मतलब धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा रहा है फॉर एग्जाम्पल इस घोड़े का इनिशियल स्पीड दो किलोमीटर पर घंटे था बीच में पहुंचते पहुंचते ये चार किलोमीटर पर आवर हो गया लास्ट तक पहुंचते पहुंचते ये 6 किलोमीटर पर आवर हो गया तो इस घोड़े ने अपनी स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज की मतलब हर घंटे में ये एक ही दो किलोमीटर पर घंटे की स्पीड बढ़ा रहा है तो कह रहा है भाई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधे चल रहा हो प्लस यूनिफॉर्म एसिलेशन से चल रहा हो तो ये पॉसिबल है कि हम उसकी वेलोसिटी वेलोसिटी मतलब जिस स्पीड से वो ऑब्जेक्ट चला है और जिस स्पीड से वो ऑब्जेक्ट पहुंचा है इन दोनों को प्लस उसके एसिलेशन को मतलब यहां से यहां जाने में इस ऑब्जेक्ट ने अपनी कितनी स्पीड बढ़ाई प्लस कितना डिस्टेंस कवर किया कितना टाइम लगाया इन चारों चीजों को हम सेट ऑफ इक्वेशंस के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं और इन्हीं सेट ऑफ इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम देते हैं समझ में आया क्या हमने क्या मैंने आपको बताया मैंने आपको बताया कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो ऑब्जेक्ट सीधे चल रही है सीधे चलने के साथ साथ वो अपनी स्पीड यूनिफॉर्मली बढ़ा रही है वो यूनिफॉर्मली एसिलेट कर रही है तो ये पॉसिबल है कि हम उसकी वेलोसिटी एसिलेशन कितना डिस्टेंस उसने कवर किया प्लस कितने टाइम में कवर किया इन चारों चीजों को हम एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं और इन्हीं इक्वेशंस को जो इन चारों चीजों को रिलेट करते हैं ऐसे इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम देते हैं अब तुम पूछोगे कि भैया हमें जरूरत क्यों पड़ी इन चारों चीजों को रिलेट करने की मान लो तुम्हें ये वाला नहीं दिया है बाकी सबकी वैल्यू दी गई है तो आप आराम से इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के पता कर सकते हो कि भैया इनिशियल स्पीड क्या है फाइनल स्पीड क्या है मतलब अल्टीमेटली हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये दिए गए हैं। समझ रहो? समझ रहा? समझ रहे हो? ना? बस ठीक है।, है। तो देर आर थ्री इक्वेशन ये देखो देर आर थ्री सच इक्वेश जो पहला इक्वेशन है हमारा ये वाला इसको हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन जो दूसरा वाला इक्वेशन है इसको हम कहते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन मतलब पहले वाली इक्वेशन के थ्रू हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं टाइम निकाल सकते हैं दूसरे वाले इक्वेशन के थ्रू हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं और टाइम निकाल सकते हैं तीसरा इक्वेशन कहलाता है क्या तीसरा इक्वेशन कहलाता है पोजिशन एंड द वेलोसिटी रिलेशन यानी इस इक्वेशन की मदद से हम डिस्टेंस और वेलोसिटी दोनों निकाल सकते हैं ठीक है समझ में आया बिल्कुल समझ में आ गया होगा लेट्स फॉरवर्ड आर यू रेडी नहीं <laughs> अब हम क्या करेंगे अब हम इन्हीं तीनों इक्वेशंस को एक एक करके ग्राफिकल मेथड से डिराइव करने की कोशिश करेंगे अब जब आप क्लास नाइन्थ में पहुंच गए हो तो आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेशन क्या है क्लास टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ में ना कान फार देंगे टीचर्स तुम्हारे डेराइव डेराइव वर्ड नाम लेकर अब डेरिवेशन होता क्या है अब तुम सीखोगे चलो एक एक करके इन तीनों इक्वेशन को हम डेराइव करना सीखते हैं मतलब मतलब ये इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनाए गए हैं ये पता करते हैं ठीक है नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक नंबर 8.5.1 और इस टॉपिक में हम क्या सीखेंगे इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन जो हमारा वेलोसिटी टाइम रिलेशन का इक्वेशन है कौन सा वेलोसिटी टाइम रिलेशन ये देखो वेलोसिटी टाइम रिलेशन जिसको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं इसी इक्वेशन को हमें क्या करना है हमें डिराइव करना है और कैसे डिराइव करना है ग्राफिकल मेथड से ग्राफ बनाकर मतलब आप सीधी साधी भाषा में कह सकते हो कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमें लेकर आना है ग्राफ के माध्यम से कैसे लेकर आओगे ये हमको तो बिल्कुल आइडिया नहीं चल रहा भैया हम क्या करें देखो जब कभी भी आपके एग्जाम में आए ना कि डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो क्या करो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखना वेलोसिटी टाइम रिलेशन होता है तो जो तुम ग्राफ बनाओगे ना तो एक तरफ तुम लिखोगे वेलोसिटी और दूसरी तरफ तुम लिखोगे टाइम ठीक है वाई एक्सिस पर आपका क्या होना चाहिए वाई एक्सिस पर हमारा होना चाहिए वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पर हमारा होना चाहिए

ठीक है चलो इतना तो पता चल गया हमें क्या बताना है हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चल रहा है इसका ग्राफ प्लॉट करना है कैसे प्लॉट करोगे हमारे पास कुछ डाटा दिया है क्या डाटा दिया है लाइक द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट

ठीक है कि कौन से पॉइंट पे कौन से जगह पर मान लेते हैं इस जगह का नाम हम दे देते हैं डी डी पॉइंट से ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया है और जब चलना शुरू किया तो इसकी जो स्पीड थी यानी जो वेलोसिटी थी वो यू के बराबर थी ठीक है भैया मान लिया अब क्या करना है हमें केवल ग्राफ प्लॉट करना है देखते जाओ कैसे कैसे प्लॉट करते हैं लेट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एसलेशन मैंने आपको बताया जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एसोलेशन से चलता है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है कुछ ऐसे बनता है एकदम स्ट्रेट लाइन पता है 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 ना ठीक ठीक चलो हमने यहाँ पर पर भी बना दिया दिया कि एक ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म से चल रहा है। मैंने ग्राफ 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 के थ्रू दिखा दिया। सब खेल का का आपको केवल ग्राफ बनाना धीरे-धीरे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और ऐसा ही बनाओगे ठीक है आगे देखो क्या करेंगे लेट ऑब्जेक्ट पॉइंट बी आफ्टर टाइम टी एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी क्या कह रहा है भाई कि कोई ऑब्जेक्ट है जो डी से चला है डी से चलकर वो बी तक पहुंच जाता है कहां तक पहुंच जाता है बी तक पहुंच जाता है और जब ये ऑब्जेक्ट बी तक पहुंचा ना तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो वी हो गई थी मतलब जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है V हो गई है इनिशियल वेलोसिटी यू फाइनल वेलोसिटी वी और यहां तक जाने में इसको कितना टाइम लगा टाइम टी लगा ठीक है तो हम यहां से लिख देंगे कि भाई इसको यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा टाइम टी लगा ठीक है अब आगे देखते हैं ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस अब आपको ये जो एक्स एक्सिस है एक्स एक्सिस किसको कहते हैं इस एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कहते हैं आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करनी है और कहां से ड्रा करनी है पॉइंट डी से पॉइंट डी कहां है यहां है तो चलो एक लाइन पैरेलल ड्रा कर देते हैं पॉइंट डी से चलो हमने ड्रा कर दिया और इस लाइन का हमने नाम दे दिया डी और ए मतलब डी से चला और ए पर जाकर खत्म हो गया ठीक है भैया ये भी मैंने मान लिया अब आगे देखो लेट ओ इक्वल टू टाइम टी ओ हमारा बराबर हो गया टाइम टी के अब हमारा ये ग्राफ प्लॉट हो गया अब हम डेराइव करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन आया कैसे अब चलो ग्राफ को देखना स्टार्ट करो नाउ फ्रॉम द ग्राफ इस ग्राफ को ध्यान से देखना चलो इसको भी ज्वाइन कर देते हैं हम ठीक है इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं आपके लिए चलो ठीक है इसको मान लेना है ये आ, जस्ट मिनट लेट इट इरेज लेट इट इरेज ठीक है आप इसको क्या मान लोगे आप इस पॉइंट को मान लोगे कि हमारा ये जो ये वाला पॉइंट है ये A है क्योंकि हमने यहां से D और A एक पहले लाइन ड्रॉ की थी ना तो यही लाइन है वो और ये वाला ई है. है टाइम टी है ठीक है? ग्राफ, ग्राफ तो सेम सेम है ये देखो बिल्कुल सेम टू सेम, सेम ग्राफ बना है, है कि नहीं है चलो इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है इस ग्राफ से सबसे पहली बात हमें पता चलती है कि भाई जो बी और ई है बी मतलब ये बी ई e जो है ना वो दो चीजों से मिलकर बना है ए बी और ए e से ए बी और ए e. देखो ए बी और ए से मिलकर हमारा ये बी और ई e बना है बना है कि नहीं बना है बिल्कुल बना है अब हम बी ई e को वी लिख सकते हैं क्या कैसे लिख सकते हैं ये देखो बी ई e. बी ई और बी ई हमारा किसके बराबर है बिल्कुल V के बराबर है ये देखो बिल्कुल V के बराबर है कि नहीं ये देखो बिल्कुल V के बराबर है कि नहीं बी ई मतलब फाइनल वेलोसिटी ठीक है फाइनल वेलोसिटी इसलिए हम इसको लिख देंगे B B E को हमने क्या लिख दिया हमने लिख दिया V। जब हमने B E को V लिख सकते हैं हम तो हम ए बी को क्या लिख सकते हैं ए बी ए बी को हम क्या लिख सकते हैं सी लिख सकते हैं क्या बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई डी सी ठीक है अच्छा ए e को क्या लिख सकते हैं हम ए e. 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 e को हम क्या लिख सकते हैं हम डी लिख सकते हैं क्या बिल्कुल लिख सकते हैं तो हमने लिख दिया डी ठीक है ऐसा हमने क्यों लिखा क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना ए बी डी सी के इक्वल है ये देखो ए और बी और बी डी और सी के इक्वल है इक्वल है कि नहीं ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है इसलिए हमने क्या लिख दिया इनकी जगह पर हमने ये लिख दिया लिख दिया ठीक है अच्छा वी इक्वल टू डी सी प्लस यू यू यानी ओ और डी को हम यू भी तो लिख सकते हैं ना क्योंकि भाई देखो ये, ये जब d पॉइंट पर पहुंचा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है U है ना तो हम U तो लिख ही सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं अब हमारे पास क्या इक्वेशन प्राप्त हो गया V इक्वल टू डी सी प्लस यू ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करने में जो हमारा सबसे पहला इक्वेशन प्राप्त हुआ है ये हुआ है V इक्वल टू डी सी प्लस यू हमें लाना क्या है हमें लाना है V इक्वल टू यू प्लस एटी लाना है ठीक है लाएंगे धीरे धीरे लाएंगे अब देखो आपको पता है कि एसिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन यही तो फॉर्मूला होता है ना मतलब क्या है चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन यही तो फार्मूला है ना हमारा एक्सीलरेशन का यही तो है ना बिल्कुल यही है अब देखो अब जब इस टी को इधर ले जाएंगे अपन तो क्या हो जाएगा वेट वेट अभी नहीं ले जाएंगे अभी नहीं ले जाएंगे अभी हम v और u की वैल्यू रखते हैं v की वैल्यू क्या है oc v की वैल्यू क्या है oc ही तो है ना o से स्टार्ट हुआ C पर खत्म हुआ मतलब V की वैल्यू है ये ठीक है तो हमने लिख दिया V की वैल्यू क्या OC लिख दिया U की वैल्यू क्या है ये देखो OD, OD, OD बराबर U की वैल्यू तो हमने U की जगह क्या लिख दिया OD और अपॉन टाइम टेकन ठीक है लिख दिया अब देखो जब हम OC को OD से माइनस करेंगे OC OC को od से माइनस कर देंगे तो केवल कितना बचा इतना ही तो बचा ना ये क्या है ये d और c है तो हमारा क्या बच गया dc अपॉन टाइम टेकन गॉट इट नाउ हमें फाइनली इस एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या मिल गई a इक्वल टू dc अपॉन t ठीक है यही तो वैल्यू मिल गई ना अब इस t को उठाकर हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे a मल्टीप्लाइड बाय t हो गया हमारा ए टी और ए टी के बराबर हो गया डीसी क्योंकि जब टी इधर चला गया तो डीसी तो हमारा अकेला बच गया ना तो ए टी बराबर हो गया हमारा डी सी और इस तरीके से हमने डीसी की वैल्यू निकाल ली इसको नाम दे दो सेकेंड इक्वेशन यहां पर हमें क्या चाहिए था हमने हमें इसका वैल्यू पता है इसका वैल्यू पता है डीसी का वैल्यू पता नहीं है तो हमने डीसी को निकाल लिया कि भैया डी बराबर होता है ए टी हमें क्या लाना था हमें लाना था वी इक्वल टू यू प्लस ए टी ठीक है हमें केवल एटी की जरूरत थी तो बस डीसी की जगह क्या लिख दो एटी लिख दो हो गया कि नहीं ये इक्वेशन हमारा ये देखो वी वी यू यू प्लस प्लस डीसी की जगह हमने लिख दिया एटी तो हो गया हमारा ना एटी है कि नहीं है बिल्कुल और इस तरीके से डिराइव हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम डीसी की वैल्यू जो कि ए है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं ना तो क्या आ जाएगा हमारा वी इक्वल टू ए टी प्लस यू यानी वी इक्वल टू यू प्लस ए टी दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और इस तरीके से हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव कर लिया वो हो फाइनली न्यूमेरिकल ऑन इक्वेशन नंबर वन अब इक्वेशन नंबर वन क्या है आपको पता है बताने की जरूरत नहीं है ना वही हमारा वेलोसिटी टाइम रिलेशन इक्वेशन नंबर टू यू प्लस एटी अरे याद कर लो यार ये इक्वेशन कितना सिंपल है तीन ही तो इक्वेशन है पहला इतना आसान है v इक्वल टू यू प्लस एटी वी का मतलब क्या है यहां पर v का मतलब है मेरे भाई फाइनल वेलोसिटी ठीक है फाइनल वेलॉसिटी और u का मतलब क्या है ये हमारा जो u है u का मतलब क्या है? u का मतलब है इनिशियल वेलॉसिटी इनिशियल फाइनल वेलॉसिटी इनिशियल आपको पता है क्या है ना मतलब ये जब गाड़ी चलना शुरू करी है तब इस गाड़ी की कितनी स्पीड है इसको हम इनिशियल कहते हैं मतलब शुरुआत की स्पीड फाइनल स्पीड मतलब जब गाड़ी हमारी यहां पर पहुंच जाती है ना तब इस गाड़ी की कितनी स्पीड है इसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं ए फॉर ए फॉर होता है एसिलेशन एसिलेशन का मतलब भी आपको पता है हमारी गाड़ी एक सेकेंड में अपनी स्पीड कितना बढ़ा रही है कितना घटा रही है हम उसको एक सेकेंड का एसिलेशन कहते हैं टाइम मतलब यहां से यहां जाने में इस गाड़ी ने कितना टाइम लगाया तो टी फॉर क्या हो जाता है हमारा टी फॉर हो जाता है टाइम अच्छा अब क्वेश्चन देखते हैं हमें फॉर्मूला यही यूज करना है चलो एक ट्रेन है जो स्टार्ट होती है चलना रेस्ट से रेस्ट से चलना स्टार्ट हुई है मतलब इस क्वेश्चन में हमारा जो यू वेलोसिटी है, मतलब है जो शुरुआत की स्पीड है वो जीरो मीटर पर सेकेंड है क्यों है क्योंकि हमारा ये जो ट्रेन है ना ये पहले खड़ी थी खड़ी थी तो उसकी स्पीड जीरो है अच्छा धीरे धीरे ये एसेलरेट करती है यूनिफॉर्मली एसेलेट करती है ठीक है और एसिलेशन भी दिया गया है 5 मीटर सेकंड का स्क्वायर तो ए भी हमारा दिया गया है ए फॉर एसिलेशन, 5 मीटर सेकंड का स्क्वायर ठीक है चलो मान लिया इतना और हमें क्या कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन आफ्टर 5 सेकंड टाइम भी दिया गया है हमें टाइम क्या है हमारा 5 सेकंड ठीक है हमें पता क्या करना है हमें पता करना है v यानी कि फाइनल वेलोसिटी पांच सेकेंड बाद इस ट्रेन की कितनी स्पीड होगी एक सेकेंड दो सेकेंड तीन सेकेंड चार सेकेंड और पांच सेकेंड बाद ये ट्रेन थोड़ा तेज हो गई तो अब इसकी स्पीड कितनी हुई है ये आपको बताना है तो सिंपल सो सिंपल हमारा फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन हम जानते हैं इक्वेशन नंबर वन क्या है हमारा इक्वेशन वन क्या है हमारा इक्वेशन वन वी इक्वल टू यू प्लस एटी यही तो है ना अच्छा v हमें पता करना है u हमें दिया है जीरो प्लस एसिलेशन भी हमें दिया है फाइव और टाइम भी हमें दिया है कितना फाइव मल्टीप्लाई कर दो क्या बच गया हमारा जीरो प्लस फाइव इंटू फाइव हो गया ट्वेंटी फाइव यानी टोटल हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है वो ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड है कितना आसान था हमारा है नहीं? मतलब इक्वेशन का यूज करो आपको आंसर ऑन द स्पॉट मिल जाएगा वट इट सो टिल नाउ वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड इक्वेशन नंबर वन जो वेलोसिटी टाइम रिलेशन था वो हमने डिराइव कर लिया है अब हमारा आता है टॉपिक नंबर 8.5.2 और सेम एनसीआर का ही टॉपिक है ये इस टॉपिक में हम पोजीशन टाइम रिलेशन को डिराइव करना सीखेंगे अच्छा पोजीशन टाइम रिलेशन को हम आम भाषा में ना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कह सकते हैं क्या कहते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम कह सकते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है एस इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस टॉपिक में हमें क्या करना है हमें इसी इक्वेशन को डिराइव करना है इसका मतलब ये इक्वेशन बनाया कैसे गया है ये पता करना है जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव किया था इस ग्राफ के थ्रू बिल्कुल सेम ग्राफ का यूज करके हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे इसका नाम क्या है पोजीशन टाइम रिलेशन मतलब अगर हमने पोजीशन निकाल लिया एस का मतलब क्या है एस का मतलब है डिस्टेंस एस का मतलब क्या होता है एस का मतलब है डिस्टेंस मतलब अगर तुमने इस इक्वेशन में डिस्टेंस निकालना सीख लिया तुम इस इक्वेशन को आराम से डिराइव कर लोगे आराम से निकाल सकते हो कि इक्वेशन कैसे आया ठीक है चलो तो डिराइव करना है हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करेंगे हमारा सेम ग्राफ है इस ग्राफ में हमने क्या देखा था हमने इस देखा था ग्राफ में कि एक भाई ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट यहां से लेकर यहां तक चलता है यूनिफॉर्म एसिलेशन ए से यूनिफॉर्म एसिलेशन से ही तो चल रहा है ना हमने फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन में भी ये जब ग्राफ प्लॉट किया था मैंने आपको बताया था कि भाई यूनिफॉर्म एसिलेशन का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है तो ये जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म एसिलेशन का ग्राफ है अब स्पीड बढ़ा रही है तो कुछ ना कुछ टाइम भी लेगी बिल्कुल लेगी टाइम लेगी और टाइम के साथ साथ कुछ डिस्टेंस भी जाएगी अरे बिल्कुल मेरे भाई ये गाड़ी है यहां से यहां तक चली तो कितना डिस्टेंस कवर किया है इसी को हम पोजीशन टाइम रिलेशन में पता करेंगे ठीक है समझ में आ गया आपको क्या करना है आपको कभी यूनिफॉर्म एसिलेशन वाले ग्राफ का डिस्टेंस पता करना हुआ तो आप क्या करोगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द ऑब्जेक्ट इज ऑप्टेन्ड बाई द एरिया इंक्लोज विद इन ओ डी बीई ओ डी बी कहा है ओ डी बी E मतलब अगर हमें इस ग्राफ का डिस्टेंस पता करना है ना तो हमें इस D और B के नीचे जितना भी जगह बचा है इस जगह का अगर हमने एरिया पता कर लिया ना तो हम आराम से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहां से लेकर यहां तक चलने में कितनी दूरी कवर किया है ठीक है तो चलो एरिया पता करना है हमें और इस को हम ट्रेपीजियम कहते हैं ये जो सेप है इस सेप को हम ट्रेपीजियम कहते हैं ठीक है हमें क्या पता करना है हमें डिस्टेंस पता करना है डिस्टेंस पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना पड़ेगा जैसे मैंने बताया आपको ठीक है ओ डी बी ई अगर इसी का तुमने एरिया निकाल लिया ना तो समझ लो तुमने डिस्टेंस निकाल लिया एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको डिस्टेंस को हम एस भी कह सकते हैं ये इसका सिंबल है डिस्टेंस का ठीक है अच्छा देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये जो पूरा ट्रेपीजियम है ये दो हिस्सों में डिवाइड है ये देखो बीच में से लाइन चली गई है ना मतलब एक ट्राइंगल है ये एक ट्राइंगल बन गया और ये नीचे वाला रेक्टेंगल बन गया बन गया कि नहीं बन गया बिल्कुल बन गया मेरे भाई अगर तुमने ट्रायंगल का एरिया निकाल के और रेक्टेंगल का एरिया निकालकर प्लस कर दिया तो तुम्हें ये पूरा एरिया पता चल जाएगा चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा बिल्कुल पता चल जाएगा तो हम बस इन्हीं तो तो दोनों की एरिया निकालेंगे कौन से एरिया ऑफ रैक्टेंगल ओ ओ डी डी ए रेक्टेंगल का एरिया प्लस प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए बी डी ए बी इन दोनों का एरिया निकालकर हम प्लस कर देंगे तो हमें ये पूरा ट्रेपीजियम का एरिया पता चल जाएगा और इसी के साथ साथ हमें डिस्टेंस भी पता चल जाएगा ठीक है चलो अब देखते हैं आगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है लेंथ इन ब्रेथ होता है ठीक है लेंथ क्या है इसकी ओ डी तो हमने लिख दिया ओ डी ब्रेथ क्या है इसकी ओ E. तो हमने क्या लिख दिया हमने लिख दिया ओ e, प्लस कर दो एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ का formula आपको पता है ब्रेथ लेंथ ठीक है तो हाफ मतलब लेंथ हमारा ये है और ब्रेथ हमारा ये है ठीक है तो हाफ हाफ लिख दिया मल्टीप्लाइड बाई ए डी ए डी जो कि ब्रेथ है और ए बी ए बी जो कि लेंथ है तो ये टोटल हमारा फॉर्मूला हो गया जिससे हम हमारा ये जो पूरा एरिया है ये निकाल सकते हैं पहले हमने रेक्टेंगल का एरिया लिया उसको प्लस कर दिया ट्रैंगल के एरिया से हाफ एडी इन टू ए बी ठीक है अच्छा अब हम क्या करेंगे चलो मूव टू नेक्स्ट अब सब्सटीट्यूटिंग ओडी इक्वल टू यू आपको पता है ये जो लेंथ है ओडी इसको हम यू भी बोल सकते हैं ठीक है बोल सकते हैं क्यों नहीं बिल्कुल बोल सकते भाई ओडी ओडी पर क्या है यू है हाँ ओ ई -E को हम क्या कह सकते हैं ओ ई ओ ई ओ ई और ए डी ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं और ये टाइम भी कहलाता है टाइम ही तो है ना बेटा ओ से लेकर ई e तक क्या है टाइम ही तो है ना तो इन दोनों चीजों को हम क्या कह सकते हैं हम टी तो कह सकते हैं ना तो ओ इक्वल टू ए इक्वल टू टी ए ए बी कहां है ए बी ए बी को हम और क्या कह सकते हैं A, को हम कह सकते हैं AT क्यों क्योंकि देखो आपको पता है मैंने equation number one में आपको निकाल कर दिखाया था मैंने निकाला था ना DC इक्वल टू ए टी चलो मैं दिखा देता हूं आपको थोड़ा सा पीछे जाकर मैं आपको दिखाई देता हूं आपको थोड़ा सा पीछे जाकर मैं दिखा देता हूं ये देखो मैंने निकाला था ना डीसी इक्वल टू ए टी इक्वल टू ए टी के बराबर है और DC जो है वो ए बी के भी बराबर है ये दोनों बराबर है ना तो भाई जब डी सी हमारा ए टी हो सकता है तो ए बी भी तो हमारा ए टी हो सकता है ना बिल्कुल हो सकता है तो जब हम इस फॉर्मूले में ये जो नीचे हमने फॉर्मूला निकाला था ये नीचे वाला जो है ए ये वाला इन सब की अगर हम वैल्यू रखेंगे ओडी ओडी को मान लेते हैं हम यू मान लेते हैं ओ को हम टी मान लेते हैं क्योंकि ओई टी e, के बराबर ही तो है ना टाइम के बराबर है तो यू मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई ए डी एडी कहा है ए डी है ए डी ओ ई की इक्वल है अगेन इसे टाइम लिख सकते हैं हम क्यों नहीं लिख सकते बिल्कुल लिख सकते हैं ठीक है फिर मल्टीप्लाइड बाई ए बी ए बी ए बी बराबर है डी सी के ठीक है और जब हम डीसी को AT कहेंगे तो हम इसे भी तो AT कह सकते हैं ना तो हमारा हो गया AT ठीक है तो ये फॉर्मूला निकल गया कि नहीं हमारे पास देखो यही तो आगे लिखा गया है ना जब हमने OD, OE, AD और AB की वैल्यू रख दी तो हमारे पास कुछ ऐसा निकल कर आ गया S इक्वल टू यू मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई प्लस हाफ ठीक है यही निकलकर हमारा पूरा आ गया और इसको अगर हम चाहें तो अगर सिस्टमेटिक भाषा में लिख दें तो u मल्टीप्लाइड बाई टी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ हाफी है t और t हो गया t का स्क्वायर और बचा a तो यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने डिराइव कर लिया कितना आसान था बहुत आसान था बस थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है आपको एक बार पीछे रिमाइंड करके देख लेना आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया है मैंने बस इस ट्रैपीजियम की एरिया निकाल दी है इसी ट्रेपीजियम के एरिया को हम डिस्टेंस कह देते हैं ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए आपके पास तरीका था ये ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया प्लस कर दिया तो हमने यहां पर रेक्टेंगल का एरिया ट्राइंगल का एरिया दोनों प्लस कर दिया प्लस करने के बाद हमने इनकी वैल्यू लिख दी ओडी को हम यू कह सकते हैं ओई ओई और एडी को हम टाइम मतलब टी कह सकते हैं ए बी ए बी को हम डी सी भी कहते हैं और जब डी सी ए टी है तो ए बी भी तो ए टी होगा ना तो हमने यहां पर वैल्यू लिख दी वैल्यू लिखने के बाद हमारा पूरा जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन था वो बनकर आ गया इक्वेशन नंबर वन और टू के सफलतापूर्वक छानबीन के बाद अब हम करेंगे टॉपिक नंबर 8.5.3 और ये टॉपिक आपके एनसीआर का ही है व्हाट इस टॉपिक में हम पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन को डिराइव करना सीखेंगे थोड़ा सा टेक्निकल नाम है ना चलो आसान कर देता हूं इसे हम आम भाषा में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं जी हाँ तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं जिसमें से हमने ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ लिया है हमने उन्हें डिराइव कर लिया है उन पर क्वेश्चन कर लिया है नाउ इज द टाइम फॉर इक्वेशन नंबर थ्री इक्वेशन नंबर थ्री हमसे क्या कहता है कहता है कि भाई जो टू ए एस है ना वो इक्वल होता है वी स्क्वायर माइनस

इसी ग्राफ से हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का छानबीन किया उन्हें डिराइव किया अब हम इसी ग्राफ का यूज करके थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे देखो इस ग्राफ से हमें तो पता है ना हमें क्या पता है हमें पता है कि भाई जो भी ऑब्जेक्ट यहां इनिशियल वेलोसिटी यू से चला है और फाइनल वेलोसिटी v तक पहुंचा है इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है इसने s यानी इतनी डिस्टेंस कवर करी है इसके अलावा इसने टाइम टी लगाया यानी यहां से यहां तक जाने में इसे टी सेकेंड का टाइम लगता है और ये जो गाड़ी है ये जो भी ऑब्जेक्ट है ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चल रहा है इस बात का पता हमें कैसे चला ये स्ट्रेट लाइन से आपको पता है किसी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन कब होती है जब वो यूनिफॉर्म एसिलेशन से चलता है ठीक है तो हमें इतना तो पता है इन सारे कहानियों के बाद फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को डेराइव करने के बाद हमें एक चीज तो पता चल गया है मेरे भाई कि जो इस ग्राफ का डिस्टेंस है यानी एस वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ डी बी और ई e के हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको बताया था ना कि अगर तुम इस ग्राफ के नीचे जितना भी प्लेस है ये जो ट्रेपीजियम बच रहा है अगर तुम इसकी डिस्टेंस पता कर लेते हो मतलब तुमने इसका क्या पता कर लिया एरिया पता कर लिया मतलब तुमने एरिया पता कर लिया तो समझ लो डिस्टेंस पता कर लिया डिस्टेंस पता कर लिया तो समझ लो वही है एरिया ठीक है तो हमें इतना तो पता है कि जो डिस्टेंस है वो ट्रेपीजियम के एरिया के इक्वल है ठीक है अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने का तुम्हारे पास दो रास्ता है पहला पहला तो जैसे हमने अभी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में लगाया था हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला फिर इस रैक्टेंगल का एरिया निकाला इन दोनों को प्लस कर दिया तो हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का पता चल गया दूसरा तरीका है कि हम डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के फॉर्मूले का यूज कर लें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आपको याद होगा अरे नहीं याद है तो मैं बता देता हूं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है हाफ मल्टीप्लाइड बाई सम साइड्स डिस्टेंस बिटवीन पैरल साइड कह रहा है कि भाई ये जो ट्रेपीजियम है ये जो आपको सुंदर सा प्यारा सा अपना सा एरिया रेक्टेंगल का एरिया दोनों मिलाकर प्लस कर दो एक नया तरीका भी है इस फॉर्मूले का यूज करके इस फॉर्मूला ये कहता है हमें कि भाई ये जो पैरल साइड है ओडी और बीई -E, ये पैरेलल साइड्स हैं इस ट्रैपीजियम के इन पैरेलल साइड्स को प्लस कर दो और मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से इन दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है ओ से लेकर ई तक तो फटाफट चलो फॉर्मूला रखते हैं फॉर्मूला हमने रखा कि भाई हाफ हाफ मल्टीप्लाईड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी ओडी प्लस बीई ओडी प्लस बीई मल्टीप्लाईड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में ये ओ से लेकर E तक तो मल्टीप्लाइड बाई ओ ई अब देखो अब इनकी वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं कि इन साइड्स का वैल्यू क्या है जैसे ओडी ओडी बराबर है यू के तो हमने क्या लिख दिया हमने ओडी को यू लिख दिया बी ई बी किसके बराबर है फाइनल वेलोसिटी के तो बी के जगह हमने वी लिख दिया यहां पर हम वी लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाई ओ ई डिस्टेंस e है इन दोनों के बीच में और ओई e को हम टाइम भी तो लिख सकते हैं ना टाइम इसलिए हमने e का नाम रख दिया टी। अब हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन खुलकर आ गया कैसा इक्वेशन डिस्टेंस बराबर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फॉर्मूला यूज करने पर हमें मिल गया यू प्लस वी मल्टीप्लाइड बाई टी अपॉन टू कैसे मिला मैंने आपको अभी जस्ट यहां पर बताया कि भाई फटाफट -फड़ इनकी वैल्यू रखो और जो साइड्स मिली हैं उन साइड्स की वैल्यू रखो जैसे ओडी का यू हो गया बी का वी हो गया ओ e का टी हो गया हमारे पास ये इक्वेशन वन यहां पर प्राप्त हो गया मतलब हमने पहली सीढ़ी पार कर ली हमें क्या लाना है हमें लाना है टू ए एस इक्वल टू वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इसके लाने के लिए हमने पहला इक्वेशन बना लिया अब हम केवल टी की वैल्यू पता कर लेना तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा और बिल्कुल इसकी तरह बन जाएगा चलो फटाफट फड़ टी की वैल्यू पता करते हैं टी का वैल्यू निकालने के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद करना होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी यही तो है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अब यहां से हम टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं मेरे भाई कह क्या रहा है कह रहा है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी ठीक है अगर u इधर आएगा तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी अब a इधर आएगा तो v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू टी तो यहां से t की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं हम हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे हमने यहां से t की वैल्यू निकाल लिया और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन टू नाउ हमने टी की वैल्यू तो निकाल ली बस इसी टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन अभी हमने इक्वेशन नंबर वन देखा था ना एस इक्वल टू यू प्लस वी टी अपॉन टू यही तो था ना हमारा इक्वेशन नंबर टू अब इक्वेशन नंबर टू में इस टी की वैल्यू उठा के यहां पर रख दो तो जब हम टी की वैल्यू उठाकर रखेंगे तो हमें मिल जाएगा एस इक्वल टू एस इक्वल टू वी प्लस यू तो यहां पर पहले से ही है टी की वैल्यू है हमारा v- माइनस यू अपॉन ए तो देखो v- माइनस यू एक ए यहां नीचे चला गया टू तो इसके पास पहले से ही था ये देखो टू इसके पास पहले से ही था बस v- माइनस यू और a हमने टी की जगह पर रख दिया तो हमें मिल गया ये बस आसान है v+ प्लस यू वी माइनस यू को हम क्या लिख सकते हैं v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना ये फॉर्मूला है हमारे मैथ्स के ट्रेक्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी और ए माइनस बी भी लिख सकते हैं तो ये देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है इसलिए हमने वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख दिया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ये जो टू ए था वो उस साइड चला गया तो हो गया टू ए एस एंड दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डेराइव कर लिया जस्ट वाव जिसका था इंतजार आखिरकार वो आ ही गया यार आरिकल्स नोमेरिकल्स अभी तक हमने क्या किया अभी तक हमने फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को डेराइव करना सीखा अब हम इन इक्वेशंस का यूज करेंगे कि भाई जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है याद दिला दूं v इक्वल टू यू प्लस और जो हमारा सेकेंड इक्वेशन मोशन है याद दिला दूं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है याद दिला देता हूं ये भी टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का प्रयोग करने का टाइम आ गया है इन तीनों इक्वेशन का यूज करके हम इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे सो so, ये इक्वेशन फॉर्मूला के तौर पर इसमें यूज होगा ठीक है चलो मेरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का दो मूल मंत्र है स्टेप बाय स्टेप चलो सबसे पहले आपको जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मिल रही है पढ़कर क्वेश्चन को जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है जैसे इनिशियल वेलोसिटी क्या है फाइनल वेलोसिटी क्या है टाइम क्या है इसको तुम बगल में नोट डाउन करते चलो जैसे मैं अभी करके दिखाऊंगा दूसरा काम तुम्हें करना है कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला का यूज होगा वो फॉर्मूला लगाओ और कैलकुलेट कर लो वैल्यू बस यही है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को लगाने का मूल मंत्र सबसे पहला इंफॉर्मेशन नोट डाउन करना है चलो स्टार्ट करते हैं क्या इंफॉर्मेशन दी गई है एक ट्रेन है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर ये पहली ही लाइन से हमें दो चीजें मिली कि एक ट्रेन है जो स्टार्ट हो रही है रेस्ट से रुकी हुई है और फिर चलना स्टार्ट कर रही है मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है शुरुआत की स्पीड है वो कितनी है u 0 मीटर पर सेकंड है क्योंकि भाई ट्रेन रुकी हुई है रेस्ट पर है ठीक है अब हमें आगे चलकर पता चला कि ये जो ट्रेन है ये कुछ देर बाद 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगती है यानी जो इसकी फाइनल स्पीड है वो है 72 किलोमीटर पर आवर लेकिन दिक्कत है यहां पर हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए यहां पर किलोमीटर पर आवर में है तो भाई 72 किलोमीटर पर आवर यही तो है ना अब इसको तुम तो मीटर पर सेकेंड में जब चेंज करोगे ना तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए थाउजेंड से मल्टीप्लाई करते हैं और आवर को सेकेंड में चेंज करने के लिए थर्टी सिक्स हंड्रेड से डिवाइड करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक मीटर हमारा सॉरी एक किलोमीटर हमारा वन थाउजेंड मीटर के बराबर होता है इसलिए हमने थाउजेंड से मल्टीप्लाई किया जो एक घंटा होता है वो थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड्स के बराबर होता है इसलिए हमने एक घंटे को सेकेंड में बदलने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई किया फटाफट निकाल लो कैलकुलेशन कर लो ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 72,000, ठीक है और नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3600। सिक्स आठ दो जीरो जीरो कट गया ये जीरो ये जीरो कट गया थर्टी सिक्स टू सेवेंटी मतलब हमें मिल गया 20 मीटर पर सेकेंड हमें फाइनल फाइनल वेलोसिटी वेलोसिटी मिल गई। ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड ठीक है, है, 0 second, v, है 20 second, जो हमने अभी निकाला अब देखो उसके बाद पांच मिनट का यहां पर टाइम भी दिया गया है तो पांच मिनट को भी हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो टाइम क्या है टाइम हमारे पास है फाइव मिनट्स लिखा गया है ना देखो five minutes. तो ये बहुत जरूरी चीजें मैं बता रहा हूं। आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी तो देखो है वही हमारा पुराना फंडा, एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं मिनट है. को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए सिक्सटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आ जाएगा हमारा थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड से ठीक है टाइम हो गया हमारा थ्री हंड्रेड सेकेंड हमें तीन चीजें पता चल गई यू वी और टाइम भी थ्री हंड्रेड सेकेंड यह हमें पता चल गया अब निकालना स्टार्ट करते हैं हमें निकालना क्या है कैलकुलेट क्या करना है सबसे पहली चीज फाइंड द एसिलेशन एसिलरेशन पता करना है सबसे पहले एसिलरेशन हमें पता करना है पहली चीज एसिलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है एसिलरेशन इक्वल टू v माइनस यू यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन कितना टाइम लगा है चलो फटाफट -फड़ वैल्यू रखो v ट्वेंटी है माइनस u u जीरो है हमारा v माइनस यू ठीक है अपॉन टाइम टाइम कितना है थ्री हंड्रेड है हमारे पास तो भाई हमारा ट्वेंटी माइनस जीरो हो गया ट्वेंटी अपॉन थ्री हंड्रेड काटेंगे इसे तो आएगा वन अपॉन फिफ्टीन मीटर सेकेंड का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर क्यों क्योंकि भाई ये हमारा

मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो थ्री हंड्रेड सेकंड हो जाएगा अभी हमने एसिलेशन भी निकाल लिया कुछ देर पहले वन अपॉन फिफ्टीन मीटर का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर क्युं? ठीक SI है क्यों क्योंकि का यूनिट SI है है ठीक जैसे टाइम का एस आई यूनिट सेकंड है वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है वैसे एसिलरेशन का मीटर सेकंड माइनस टू है ठीक है चलो तो अब हमें क्या निकालना है द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलॉसिटी अब हमें डिस्टेंस निकालना है तो हमारा जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कहता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर ठीक है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यही तो है ना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी तुम डिस्टेंस निकाल सकते हो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी तुम डिस्टेंस निकाल सकते हो जो कहता है टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्योंकि दोनों में एस आ रहा है डिस्टेंस तुम दोनों से निकाल सकते हो चलो तो ये ऊपर वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से स्टार्ट करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या है टू एस इक्वल टू वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इसी से हम डिस्टेंस पता करेंगे हमें डिस्टेंस पता करना है ठीक है हमारे पास u है जीरो मीटर पर सेकेंड v है हमारा ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड टाइम है हमारे पास थ्री हंड्रेड सेकेंड और एसिलेशन है हमारे पास वन अपॉन फिफ्टीन मीटर सेकेंड का माइनस टू फटाफट -फड़ फार्मूला में रखो हमें s निकालना है ना तो टू ए को इधर भेज दो तो हो जाएगा हमारा s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए हमें एस निकालना है ठीक है फॉर्मूला में रखो वी क्या है हमारा ट्वेंटी है तो ट्वेंटी का स्क्वायर माइनस यू क्या है हमारा जीरो का स्क्वायर तो जीरो लिखो जीरो का स्क्वायर अपॉन टू ए टू मल्टीप्लाइड बाई एसिलेशन एसिलेशन क्या है वन अपॉन फिफ्टीन टू मल्टीप्लाइड बाई वन अपॉन फिफ्टीन इसी को कैलकुलेट कर लो तुम डिस्टेंस निकाल लोगे चलो कैलकुलेट करते हैं चलो यहाँ के बाद का जो स्टेप्स है मैं यहाँ लिखता हूँ इनके बीच में लिखता हूँ ठीक है सो so, ध्यान देना यहाँ के बाद का जो स्टेप है ट्वेंटी का स्क्वायर हो जाएगा हमारा कितना फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड माइनस अपॉन वॉट टू अपॉन फिफ्टीन ठीक है देखो टू मल्टीप्लाइड बाई वन टू अपॉन फिफ्टीन ये नीचे वाला जब हम सॉल्व करेंगे तो टू अपॉन फिफ्टीन आएगा ठीक है तो टू अपॉन फिफ्टीन से हम अपॉन कर देंगे अब आगे चलते हैं फोर हंड्रेड ऊपर रहेगा माइनस जीरो का कोई मतलब ही नहीं है नीचे केवल टू ही रह जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि ऊपर चला गया ठीक है ये ऊपर चला गया अब क्या करते हैं अब हम करते हैं टू टू हंड्रेड ऊपर बचा हमारा टू हंड्रेड नीचे बचा हमारा फिफ्टीन तो टू हंड्रेड को जब फिफ्टीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा टोटल ये देखो टू हंड्रेड ना यहाँ पर और बगल में फिफ्टीन है तो टू हंड्रेड को मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे फिफ्टीन से तो ये हमारा हो जाएगा थ्री थाउजेंड डिस्टेंस निकालना था तो डिस्टेंस है मीटर में थ्री थाउजेंड मीटर डिस्टेंस भी पता चल गया हमें और एक्सिलेशन भी इसके पहले निकालना था वो भी हमने निकाल लिया तो कितना आसान था न्यूमेरिकल अगर हम स्टेप बाय स्टेप चले तो हम सभी क्वेश्चंस को फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन है नाइन्थ टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ में कर सकते हैं आसान है सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक नंबर एट और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कहें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल 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 घूम रहा है और उस समय अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड बदल नहीं रहा है तब हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है चलो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं वेन द वेलॉसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज

देखो ये घोड़ा क्या कर रहा है ये घोड़ा अपनी स्पीड बदल रहा है देखो धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहा है स्पीड बढ़ा रहा है तो यहां पर भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है है ठीक अगर कोई ऐसा केस आता है जहां पर केवल कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड ना चेंज कर कर केवल डायरेक्शन चेंज करे ना तब भी हम कह सकते हैं कि वो अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है ठीक है यहां देखो साफ साफ लिखा है कि वेलोसिटी दो तरीकों से चेंज हो सकती है या तो उसके स्पीड को हम बढ़ा दें या घटा दें या उसके डायरेक्शन को बदल दें ठीक है अच्छा क्या तुम कोई ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हो जहां पर स्पीड तो नहीं बढ़ घट रही है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ वेलोसिटी भी चेंज हो रही है जैसे इस, इस कार को देख लो इस कार को देखो इस कार को देखने के बाद तुम क्या देख पा रहे हो ये जो कार है ना ये अपनी स्पीड तो नहीं चेंज कर रहा है लेकिन डायरेक्शन जरूर चेंज कर रहा है देख रहे हो डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो भाई जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में चलती है सर्कुलर मोशन में चलती है तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा कर रही है इस बात को मान के चलना ठीक है समझ में आया सो अभी तक हमने ये जान लिया कि भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट क्या है अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है वेलोसिटी दो तरीके से बदली जा सकती है या किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड हम बदल दें या किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को हम बदल दें तो हम कह सकते हैं कि हमने उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदल दी है ठीक है चलो एक एग्जांपल लेते हैं इस एग्जांपल में एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्लोज्ड पाथ यानी रैक्टेंगल के चारों रास्तों पर चल रहा है चलो देखते हैं सबसे पहले यह ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया ए से बी तक गया फिर ये ऑब्जेक्ट बी से सी तक गया बी से सी तक गया फिर ये ऑब्जेक्ट सी से डी तक गया फिर ये ऑब्जेक्ट डी से ए तक गया अब इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसने अपनी कितनी बार डायरेक्शन चेंज किया एक बार दो बार तीन बार चार बार इसने अपनी चार बार डायरेक्शन चेंज किया तब जाकर ये इस रैक्टेंगल के चारों चक्कर लगा पा रहा है मतलब हमें यहां से क्या पता चला हमें पता चला कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये अपनी वेलोसिटी वेलोसिटी चेंज कर रहा है वेलोसिटी चेंज कैसे कर रहा है क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा चार बार इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया ठीक है तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चला कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है ये वेलोसिटी चेंज कर रहा है और वेलोसिटी चेंज कैसे कर रहा है डायरेक्शन को बदल कर ठीक है डायरेक्शन बदल रहा है मतलब हमने समझ लिया कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये एसिलेट कर रहा है ठीक है एसिलेशन किसे कहते हैं बेटा चेंज इन वेलॉसिटी को ही तो एसिलरेशन कहते हैं ना चेंज इन वेलॉसिटी को ही तो हम एसिलेशन कहते हैं ना तो यहां पर वेलोसिटी बदल रही है कि नहीं वेलोसिटी बदली क्यों क्योंकि डायरेक्शन बदला डायरेक्शन बदला तो हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया एसिलरेट किया ठीक है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है वो एसिलरेट करता रहता है चलो एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं आपने देखा होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक और एग्जाम्पल है मान लो हमने पिछले में तो रेक्टेंगल लिया था यहां पर हम कोई एक हेक्सागोन ले लेते हैं। हेक्सागोन के पास छह साइड्स होती हैं एक दो तीन चार पांच ठीक है अब यहां से अगर कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो उसको छह बार अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा मतलब यहां पर भी क्या हो रही है वेलोसिटी बदल रही है वेलोसिटी चेंज हो रही है अच्छा एक ऑक्टागोन ले लेते हैं ऑक्टागोन के पास आठ साइड होती है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ ठीक है तो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर ये ऑब्जेक्ट कम कम से कम बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है ठीक है तो मतलब आखिरकार इस लास्ट टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमें बस इतना जानना था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में चल रहा है तो समझ लो वो ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी बदल रहा है वेलोसिटी दो तरीकों से बदली जा सकती है या तो स्पीड बदल रहा है या तो डायरेक्शन बदल रहा है ठीक है स्पीड बदल रहा है या डायरेक्शन बदल रहा है जब सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल चल रहा है तो वो हर एक सेकेंड अपना डायरेक्शन चेंज करता है हमेशा अपना डायरेक्शन चेंज करता है इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में होता है तो वो हमेशा एसिलेट कर रहा होता है क्या कर रहा होता है हमेशा हमेशा कर कर रहा होता है। कैसे कर रहा होता होता है है कैसे क्योंकि वो हमेशा अपनी डायरेक्शन चेंज करता है डायरेक्शन चेंज करने से वेलोसिटी चेंज होती है और वेलोसिटी चेंज को हम एसिलेशन ही तो कहते हैं ना तो ये था हमारा पूरा चैप्टर आई होप आपने इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा होगा इस लास्ट टॉपिक में कुछ नहीं था बस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको पता करना था कि क्या है और इस लंबे लंबे पैराग्राफ में बस यही एग्जाम्पल दिया गया था जो मैंने आपको बताया इस एग्जाम्पल से हमें पता क्या चला वही फिर से मैं बता रहा हूं वेलोसिटी वेलोसिटी चेंज चेंज हो हो रही रही है है और वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है ठीक है और वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है एसिलरेट कर रहा है ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है एसिलरेट कर रहा है एसिल कर रहा है ठीक है मतलब हमेशा किसी सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऐसे कर रहा होता है सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर चैप्टर आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा अगर कुछ भी ऐसा लगा है आपको जो आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट बिलो द वीडियो मैं आपको हर डाउट के सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है इज मैटर अराउंड अस प्योर ये केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है जो जल्द हम लेकर आएंगे अपने इसी चैनल एजुकेशनल हाइक्स पर तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें क्योंकि ऐसे ही धमाकेदार वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं मिलते हैं अपनी एक और धमाकेदार चैप्टर एक और धमाकेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए शशिया बाय टेक केयर